तो आज की रिएक्शन है पहली विटिग रिएक्शन, डब्ल्यू आई टी टी इज विटिग रिएक्शन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपेंस इन दिस रिएक्शन, इसमें आपने कार्बोनिल कंपाउंड को कन्वर्ट करना है अगर एल्कीन में, तो ये रिएक्शन यूज़ कार्बोनिल कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू द एल्कीन। नाउ क्वेश्चन इज हाउ डू वी चेंज दिस कार्बोनिल कंपाउंड इनटू एल्कीन। तो इसके लिए कार्बोनिल कंपाउंड पर रिएक्शन की जाती है फॉस्फोरस इलिड, देन जाके बनता है आपका एल्कीन। नाउ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फॉस्फोरस इलिट क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है आपका कार्बोनिल कंपाउंड में। तो आप कीटोन ले सकते हैं या एल्डिहाइड, लेट की हम पहले एक कीटोन लेकर के इसको बता देते हैं आपको, आर सी डबल बॉन्ड, ये है आपका ये कीटोन। फॉस्फोरस इलिट की अगर आप बात करते हैं तो फॉस्फोरस इलिट में आर सी एच, या सिंपली एक सी एच टू करके आपको बता दें पहले, सी एच टू डबल बॉन्ड पी और देन आपका है पी एच थ्री। नाउ व्हाट इज दिस पी एच थ्री, ये जो पी एच फिनाइल ग्रुप है अगर इसी को पूरा लिखते हैं, लेट की सी एच टू डबल बॉन्ड पी सी सिक्स एच फाइव थ्राइस ट्राई फिनाइल फॉस्फोरिन है ये, तो इसी को हम एक इलिट नाम से बोलते हैं, फॉस्फोरस इलिट। अगर इसका कोई डेरिवेटिव हम ले लें, लेट की हमें कोई एल्कीन का जो सब्सिट्यूएंट डबल बॉन्ड लगा हुआ है इससे साथ में इस तरह से कुछ दिया हुआ है, आर सी एच डबल बॉन्ड पी सी सिक्स एच फाइव थ्राइस, तो ट्राई फिनाइल फॉस्फोरिंस यानी कि फॉस्फोरस इलिट इसको शॉर्ट में बोलते हैं। अगर इन दोनों की रिएक्शन हम करें, ये एक एल्की ये कार्बोनिल कंपाउंड हमें दिया हुआ है आर आर सी डबल बॉन्ड ओ, तो नाउ व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो जैसा कि हमें मालूम है कि कार्बोनिल कंपाउंड जो है, कार्बोनिल कंपाउंड में आप देखते हैं कि जो पोलैरिटी है वो कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन में आप लगाते हैं डेल्टा नेगेटिव, कार्बन में आप डेल्टा पॉजिटिव लगाते हैं। तो उसी तरह से जो यहाँ पे आपको फॉस्फोरस इलिड दिया हुआ है इसमें भी प्लस माइनस आपको लगाना है, तो इसमें जो प्लस होगा और जो माइनस होगा उसको देखिए किस तरह से आप लगाएंगे। जो ये पी है ये ट्राइफिनाइल फॉस्फी ट्राइफिनाइल ग्रुप इससे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जो ये ग्रुप है आर सी एच की तरफ को आपका पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, तो इससे ये आइडिया आपको लग जाएगा कि ये होगा पॉजिटिवली चार्ज और ये होगा हमारा नेगेटिवली चार्ज। अगर आप कार्बोनिल में चार्ज सेपरेशन शो करते हैं, फॉस्फोरस इलिट में भी चार्ज सेपरेशन अगर आपका आ जाता है, तो इससे ये पता चलता है कि कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है, कहाँ कहाँ से जो है इसमें आप बॉन्ड बना सकते हैं। तो देखिएगा कहाँ बॉन्ड बन रहा है, ये जो नेगेटिव है यहाँ पर जो नेगेटिव आएगा वो यहाँ के कार्बोनिल कार्बन से जुड़ेगा, और जो पी पे पॉजिटिव आएगा वो आपका यहाँ पर ओ से जुड़ेगा। तो इस तरह का कुछ इसमें कॉम्बिनेशन पहले आपको दिखाएं कि अलग अलग करके आर आर सी ये हो गया, इसमें है ओ, अगर हम कंप्लीटली शिफ्ट करें ओ नेगेटिव हो गया, यहां पे जो पॉजिटिव आया उससे आपका ये जुड़ गया सी एच आर पी, क्योंकि आपने पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट किया था तो ये पी पर
कंप्लीट आप पॉजिटिव लगाएंगे। उसके बाद आया आपका पी से जुड़ा हुआ है C6H5 थ्राइस। तो एक इस तरह की मॉइटी हमें मिली। अब इसी को आगे हमने चेंज करना है, जो ये प्लस और माइनस है इनके बीच में आप बॉन्ड बना सकते हैं आर आर सी ओ सी एच आर पी। ये इंटरेक्शन हो गया, ये कंप्लीट बॉन्ड ही बना देते हैं C6H5 थ्राइस। तो ये एक तरह का मॉलिक्यूल जो बना हुआ है अभी हमारे पास, इसको हम बोलते हैं ये है बीटेन इंटरेक्शन। अगर दिखा बीटेन BETAIN बीटेन बोलते हैं। इसको इधर बना देते हैं। आर आर सी ओ नेगेटिव पी C6H5 थ्राइस CHR। जब आप कार्बोनिल कंपाउंड लिए उसके साथ में फॉस्फोरस इलिट, तो ये बिटेन एक बना। फिर उसके बाद एक कंप्लीट एक इंटरेक्शन यहां पर हो रहा है, कंप्लीट बॉन्ड अगर आपने इन दोनों के बीच बना दिया तो ये नेगेटिव भी अब यहां न्यूट्रलाइज हो गया। तो ये आपका बन गया ऑक्सी और इसके बीच में ऑक्सी फॉस्फेटेन फॉस्फेटेन ऑक्सी फॉस्फेटेन एक हमारा मॉलिक्यूल बना। इसके बाद नेक्स्ट इसको आप चेंज करेंगे, क्योंकि हमने बताया आपको कि जब आप कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं फॉस्फोरस एसिड लेते हैं तो एल्कीन बनेगा। तो यहां भी कुछ चेंजेस होते हैं, उसको देखिए कैसे चेंजेस हो रहा है। CO बॉन्ड है और CH और P बॉन्ड है, यहां पे कुछ शिफ्टिंग हुई है। तो ये शिफ्टिंग किस तरह से होगी, जो C और O के बीच का बॉन्ड है वो कहां शिफ्ट करेगा और जो है P और C के बीच का बॉन्ड कहां शिफ्ट करेगा, उससे पता चलेगा कि हमें एल्कीन किस तरह से बनना है। तो ये बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है हमने यहां शिफ्ट किया और इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट। तो इस तरीके से जो है एक जो मॉइटी हमें मिली वो क्या मिली, ये बॉन्ड अगर यहां शिफ्ट किया तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बॉन्ड अगर यहां शिफ्ट किया तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो जो एल्कीन और जो साइड प्रोडक्ट बना हुआ वो देखिए आर आर सी डबल बॉन्ड सी एच आर इससे लगा हुआ है प्लस पी डबल बॉन्ड ओ C6H5 थ्राइस। तो ये है एल्कीन और ये बन गया आपका साइड प्रोडक्ट। तो इसी में अगर सपोज दैट कि हमने कीटोन लिया या एल्डिहाइड लिया तो प्रोडक्ट हमें अब तुरंत समझना है, देखिए कैसे प्रोडक्ट बनेगा। CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3 अगर आप लेते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा इसमें फास्फोरस इलिट का अगर आप रिएक्शन करते हैं CH2 डबल बॉन्ड पी पी एच थ्राइस। तो आप देख रहे हैं कि जो चेंजेस हो रहा है, देखो इन दोनों को लेकर के आप यहां पहुंचे थे। तो ये वाला पार्ट जो है आपने ट्राइफिनाइल जो फॉस्फीन है उसके साथ में लिया पी पी एच थ्री डबल बॉन्ड ओ और इस पार्ट को आप यहां लेके आए थे। तो सेम उसी तरह से ये पार्ट जो है आपका यहां पे आ जाएगा और ये यहां चला जाएगा। तो इससे प्रोडक्ट का आइडिया लगाना आसान हो जाता है। CH3C C डबल बॉन्ड CH2 प्लस P डबल बॉन्ड ओ PH3। ओके, एक एल्कीन बन गया। इसी तरह से आप इसको अपना स्प्रे रूप में अगर लिखना चाहें CH3 C डबल बॉन्ड CH H तो एल्कीन बनेगा। अब इसी तरह एक एल्डिहाइड लेकर के हम बताते हैं आपको कि
कि अगर इसमें आप कोई एल्डिहाइड ले लेते हैं तो किस तरह से उसको प्रोडक्ट में शो करेंगे। आर सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड प्लस यही ले लिया सी एच टू डबल बॉन्ड पी पी एच थ्री का थ्राइस। तो ये वाला जो सी एच टू है ये आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की जगह आना है और ऑक्सीजन जो है सी एच टू की जगह आना है। तो इससे प्रोडक्ट का जो आइडिया लगेगा वो बिल्कुल क्लियर है कि विटिग रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा इसका, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू और प्लस आपका आ जाएगा पी डबल बॉन्ड ओ पी एच थ्री का थ्राइस। ये प्रोडक्ट तो इट्स वेरी इजी टू मेक एल्कीन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कीन बनाना है तो इससे आसान रिएक्शन कोई नहीं होगी। तो इसमें बीटेन और ऑक्सी फॉस्फिटेन के थ्रू जो है एल्कीन में आप पहुंच सकते हैं। इसी तरह से आप फॉर्मेल्डिहाइड लेकर के भी आप कर सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड में अगर आप लेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा सी एच एच डबल बॉन्ड ओ प्लस सी एच टू डबल बॉन्ड पी पी एच थ्री। तो ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया आपस में, तो इसमें रिएक्शन हो गई सी एच एच डबल बॉन्ड सी एच एच प्लस पी डबल बॉन्ड ओ पी एच। तो विटिग रिएक्शन में यहाँ पर सिंपल इथीन का फॉर्मेशन हुआ है। तो इथीन भी बना सकते हैं आप। अभी आपने देखा वन वन टू थ्री प्रॉप वन इन बनाया था, इससे पहले हमने दूसरे कंपाउंड बनाए थे, तो वो एल्कीन को बड़ी आसानी से इसमें समझा जा सकता है। इसी तरह से साइक्लिक में भी आप बना सकते हैं। सपोज दैट कि एक साइक्लिक का एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं कि कैसे साइक्लिक में चेंज करके लेट की ये कंपाउंड आपको दिया है इस तरह से डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ और ये हो गया। इसमें तो साइक्लिक कीटोन, साइक्लिक कीटोन है। अगर आईयूपीएसी में इसको आप लिखते हैं तो आईयूपीएसी में इसका नाम होगा, क्योंकि छह कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं। साइक्लिक फॉर्म में साइक्लोहेक्सेन तो है ही, डबल बॉन्ड हो तो साइक्लोहेक्सेनोन। अगर इसको हम लेट की डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और डबल बॉन्ड यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड लग जाता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड करके कुछ कंपाउंड बन जाता है। इसमें रिएक्शन करनी हमने फॉस्फोरसिलेट, ये है आपका सी एच टू डबल बॉन्ड पी पी एच थ्री थ्राइस। तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ओ ए है, फॉस्फोरसिलेट के साथ में रिएक्शन होनी है। एक साइक्लिक जो है इंटरमीडिएट जैसा आपको ये मिला उस तरह का कंपाउंड बनेगा, उस पे बाद यहाँ कन्वर्जन होगा तेन जाके मेन प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसका मैकेनिज्म एक बार दोबारा से और हम यहाँ पे रखते हैं। तो जैसा कि हमें मालूम है कि पाई बॉन्ड जो है आपका यहाँ शिफ्ट करेगा और यहाँ पर जो फास्फोरस है और कार्बन के बीच में जो चार्ज का सेपरेशन होगा पाई बॉन्ड कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा। दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द पी एंड सी। देन आप देखते हैं कि इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी, जो इंटरेक्शन होगा चार्ज सेपरेशन की वजह से, वो क्या होगा। ओ पे ऊपर नेगेटिव आ गया, यहाँ पर जैसे ही पॉजिटिव आता है यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होके, तो ये नेगेटिव में आ रहा है तो सी एच टू पी पी एच थ्री यानी कि सी सिक्स एच फाइव का थ्राइस हो जाएगा एक, और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों मिल करके जो है बिटेन ये बॉन्ड इनके बीच में बनाओगे तो बिटेन एक बन जाएगा। और इसके बाद यहीं से जो चेंजेज होने हैं, अब ये चार्ज जब इन दोनों के बीच में आप बॉन्ड बनाएंगे तो इस चार्ज को जो है न्यूट्रलाइज आप करेंगे। यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट किया इस तरह से और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, तो देन फाइनल प्रोडक्ट विल बी
cyclic. Here is CH2 plus P PH3 double bond. तो इस तरह से ये एल्कीन बन जाएगा. तो आप किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को बड़ी आसानी से एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट रिएक्शन आइडोफॉर्म रिएक्शन. आप लोगों ने सुना होगा हेलोफॉर्म रिएक्शन आपने सुना होगा, आइडोफॉर्म टेस्ट आपने सुना होगा. तो ये सब रिएक्शन भी कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा दी जाती हैं, बट कुछ कंडीशंस इसमें हैं कि सभी कार्बोनिल कंपाउंड इस तरह के रिएक्शंस नहीं देंगे. कुछ कार्बोनिल कंपाउंड हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं वो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, आइडोफॉर्म रिएक्शन देंगे, हेलोफॉर्म भी जिसको बोलते हैं. अगर उसको हम अलग अलग लिखें हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन को ही आप अलग अलग नाम से दे सकते हैं. अगर हेलो की जगह पर आप क्लोरो लेते हैं तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, और लेकिन जो कॉमन है वो है आइडोफॉर्म, आई ओ डी ओ आइडोफॉर्म रिएक्शन. एक्चुअली जो आइडोफॉर्म है, आइडोफॉर्म जो कंपाउंड बनता है उसका जो प्रिसिपिटेट बनेगा वो येलो प्रिसिपिटेट होता है, और उसको आप कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने में यूज कर सकते हैं. दैट्स व्हाई नेम जो कॉमनली ज्यादा है इसका फेमस वर्ड है वो आइडोफॉर्म है. तो इसमें क्या क्या किया जाता है वो आपको पहले समझना है. आइडोफॉर्म जो है ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं जिनमें मिथाइल कीटोन इस तरह की कुछ मॉइटी होती थी. मिथाइल कीटोन आर सी डबल बॉन्ड ओ एक सी एस थ्री ग्रुप है. अगर किसी कार्बोनिल कंपाउंड में सी ओ सी एस थ्री अगर है तो वो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है. अब इसके लिए कंडीशन क्या है कि इसमें आप किसी हेलोजन कंपाउंड की रिएक्शन करेंगे Cl2, Br2 और I2, और उसके साथ में कंडीशन हमने रखनी है बेसिक कंडीशन. ये हो गया. और अगर इतना दिया है तो समझ लीजिए वो हेलोफॉर्म रिएक्शन है, और X2 की जगह I2 दिया है तो उसको स्पेसिफाई आप कर देते हैं आइडोफॉर्म की तरफ को. ओके, नव रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होगी, उसको मैकेनिज्म क्या होगा, क्या इसमें आइडोफॉर्म जो बनेगा, क्लोरोफॉर्म जो बनेगा या ब्रोमोफॉर्म जो बनेगा वो किस तरह से फॉर्म करेगा, उसके लिए इसकी मैकेनिज्म समझनी है. तो पहली कंडीशन तो ये है कि ये होना बहुत जरूरी है इतना सी ओ सी एस थ्री. एक्चुअली सी ओ सी एस थ्री नहीं है तो फिर आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म जो कह रहे हैं हम वो नहीं बनेगा. उसका रीजन है क्योंकि जो ये कार्बोनिल है इसके बगल में जो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन में अगर हाइड्रोजन नहीं होंगे तो इट मीन्स ये एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर अगर नहीं है, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, और एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन फिर जो कि बेसिक मीडियम में आप कर रहे हैं रिएक्शन को आगे बढ़ाना टफ होगा. तो इसमें जो कंपाउंड बनेगा, जैसे अगर इसको सिंप्लीफाई करके हम बनाएं तो बनने के लिए ये बनेगा कुछ सी एच एक्स थ्री टाइप का प्लस एच टू ओ वगैरह कुछ बनेगा. वो कितना बनेगा अभी देखेंगे कितने एच टू ओ वगैरह बनेंगे उसमें. अब दूसरा पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर तीन है, देयर आर थ्री एसिडिक हाइड्रोजन. ओके, अब ये एसिडिक क्यों है उसको अभी मैकेनिज्म से क्लियर कर लेते हैं कैसे एसिडिक हैं. ये तीन हाइड्रोजन जो हैं तीन के तीन स्टेप वाइज रिप्लेस होंगे और एक्स टू के द्वारा. तो इसके मतलब तीन स्टेप वाइज रिप्लेस होंगे, हर हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए एक एक्स टू की जरूरत पड़ेगी. तो इसका मतलब तीन हाइड्रोजन है तो तीनों को रिप्लेस करने के लिए थ्री मोल आपको हैलोजन की जरूरत पड़ेगी, मींस थ्री एक्स टू हमने कर दिया. ठीक है ना. तो नाउ किस तरह से आप मैकेनिज्म लेंगे, देखिए ये कंपाउंड है सपोज आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री. यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, ये एसिडिक क्यों है, अगर इसको हम देखें तो आप देखेंगे कि जो ये R C H, इसको एक H हम अलग करके इसको समझाते हैं आपको. जो ये कार्बोनिल है, कार्बोनिल ग्रुप इसके नेबर में है, तो ये कार्बोनिल में आप देखते हैं पोलैरिटी जो है, चार्ज सेपरेशन जो है वो बेटर है. पोलैरिटी है ड्यू टू द
वीक पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, पाई बॉन्ड यहाँ है, तो पाई बॉन्ड जो है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पाई बॉन्ड हमारा कहाँ शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन की तरफ, तो इससे ऑक्सीजन में क्या आएगा नेगेटिव और कार्बन में क्या रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा। तो ड्यू टू दिस चार्ज सेपरेशन देखिए यहाँ कर प्लस माइनस यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं, तो ये जो कार्बन पॉजिटिव है ये जो नेबरिंग कार्बन है उससे लगे हुए जो सी एच बॉन्ड है, देखिए सी एच सी एच तीन सी एच बॉन्ड यहाँ पर है, तो ये पॉजिटिव कार्बन है तो ये इस बॉन्ड को अपनी ओर खींचता है। जब इस बॉन्ड को अपनी ओर खींचता है तो ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ आ जाता है, जब इस बॉन्ड को आप यहाँ लेके आते हैं तो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बनता है ये कम्प्लीटली इधर शिफ्ट होगा, तो आप देखते हैं ये वाला हाइड्रोजन जो है यहाँ से मूव करके इस ओ पे आ सकता है। तो इसका एक फॉर्म जो आप बनाते हैं, देखिए क्या फॉर्म एक बनी है, आर सी ओ, इस हाइड्रोजन को लेके हम यहाँ आ रहे हैं ओ एच, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया सी एच टू। ये जो फॉर्म है ये हमारे कीटो फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है, और जो ये फॉर्म है ये दिस वन इज अ इनॉल फॉर्म। तो आप देख रहे हैं कि जो कीटो इनॉल बना हुआ है वो अल्फा हाइड्रोजन की वजह से बना है, अगर अल्फा में अल्फा कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं होते तो ये इनॉल फॉर्म यहाँ पर फॉर्म नहीं करती। तो ड्यू टू दिस इनॉल फॉर्म, देखिए इनॉल फॉर्म की वजह से क्या हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर है कभी यहाँ पर है, तो इट मीन्स इसका नेचर कुछ लेबाइल नेचर है, मोबाइल नेचर जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है, तो इसको एज ए एच पॉजिटिव यहाँ पर से डिस्प्लेस किया गया, एज ए एच पॉजिटिव यहाँ से यहाँ पहुंचाया गया है, ये यहाँ है तो एच पॉजिटिव है, तो एच पॉजिटिव देना वो एक एसिडिक नेचर है, इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ये फिनोमिना जो है आपको ये बता रहा है कि जो अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन है दे आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑफ लेबाइल हाइड्रोजन, तो यही नेचर जो है इसको यहाँ पे रिएक्टिव बनाया हुआ है जो मिथाइल कीटोन वाले जो हमारे कंपाउंड से। अब इसमें किस तरह से मैकेनिज्म को आप बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, क्योंकि आप देख रहे हैं बेसिक मीडियम यहाँ पर है ओ एच माइनस, तो ये OH- है ये इसमें से एसिडिक हाइड्रोजन को अपनी तरफ को डिस्प्लेस करता है, अपनी तरफ को खींचने की कोशिश करेगा, तो आपको जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि ये हाइड्रोजन जो है एसिडिक हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी सेम इसी तरह से आपको क्या करना, देखो ये जो OH है यहाँ पे CH2H कर दिया, ये OH- यानी कि बेस होगा, ये NaOH भी हो सकता है और KOH भी हो सकता है, तो ये बेस जो है इसमें से H+ को अपनी ओर ले लेता है। जब ये बेस जो है H पॉजिटिव को अपनी ओर खींचेगा तो ये वाली जो मॉइटी है आर सी डबल बॉन्ड O यहां पे आ गया आपका सी एच टू, और आप देखेंगे कि ये वाला जो बॉन्ड है C और H के बीच का जो बॉन्ड है वो आपका कार्बन की तरफ शिफ्ट करता है, तो जब कार्बन की तरफ शिफ्ट करता है तो इस तरह से यहाँ पे नेगेटिव। तो ये जो बना है जैसे कि आप देख रहे हैं कि कार्बन पर जो है लोन पेयर है, फिर एक नेगेटिव चार्ज है, दिस इज ए टाइप ऑफ द कार्बेनाइन स्पीसीज। अब जो ये कार्बेनाइन बना हुआ है, कार्बेनाइन दिस इज स्टेबल फॉर्म, अब ये स्टेबल फॉर्म में है इसीलिए ये फॉर्म भी किया हुआ है, अगर ये अनस्टेबल होता तो ये फॉर्म भी नहीं करता। तो ये स्टेबल कैसे है देखिए, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, दिस चार्ज शिफ्टेड टुवर्ड्स कार्बोनिल कार्बन and simultaneously this pi bond shifted towards oxygen, so then resonating structure iska jo banega wo hamara banna hai r c o negative, okay, and this carbon and this carbon now becomes double bonded ch2, to ye jo bana hai ye hai hamara resonance, ye dono ek dusre ke canonical form se hain, resonating structures hain, that's why this is called रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बेनाइन, ये है हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होता तो ये बनता भी नहीं, ये रिएक्शन होते भी नहीं, तो ये पहले स्टेप पर हमने ये करना है। इसके बाद क्या होना, देखिए जो हमारा कार्बेनाइन बना हुआ है आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू नेगेटिव,
इसकी रिएक्शन जो है, क्योंकि हमने लिया है आपका क्या हैलोजन, तो अब ये हैलोजन है, लेट कि हम हैलोजन में यहाँ पर चलिए एक्स टू ही ले लेते हैं, एक्स एक्स कर देते हैं, चलिए एक्स एक्स, वो सी एल टू भी हो सकता है, बी आर टू भी, आई टू भी, तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर रहा है, ये यहाँ हो रहा है, ये अपनी जगह बिल्कुल क्लियर है। तो इसमें ड्यूरिंग डेज देखो, ड्यूरिंग डेज ये यहाँ आया, जो वापस या इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्म ले सकते हैं, हमने इस फॉर्म को ले लिया। अगर आप इस फॉर्म को भी लेंगे तो रिएक्शन आप देख रहे हैं क्या हो रही है, आपको साइमल्टेनियसली चेंज करना होगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो दोबारा से यही फॉर्म बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पे जो एक्स और एक्स के बीच में देख रहे हैं आप, ये बॉन्ड है, दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, ठीक हो गया, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट दिस वन इज द आयनिक स्पीसीज। जो ये आयनिक स्पीसीज है, ये इस को भी आयनिक तरीके से ब्रेक करेंगे, इट मीन्स यहाँ पर भी हेटोलाइटिक फ्यूजन होगा। अगर ये आयनिक नहीं होता तो तब हेटोलाइटिक फ्यूजन होना थोड़ा टफ होता, लेकिन ये आयनिक है तो ये इसमें से क्या करेगा, ये क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ये इसमें से एक्स जो है एज ए पॉजिटिव, तो इट मीन्स जो ये वाला बॉन्ड है, दिस बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स अदर एक्स, तो यहाँ पर ये तो होगा नेगेटिव चार्ज, बट ये जो पॉजिटिव ये वाला जो है, ये एज ए एक्स पॉजिटिव इस पे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा यहाँ पे बनता है आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू, और यहाँ पे आ गया एक्स, और प्लस जो है एक्स नेगेटिव क्या हो गया, अलग हो गया। अभी जो एक्स नेगेटिव अलग हो रहा है वो किसके पास में गया, ये अगर कंफ्यूजन है तो आप देखते हैं कि जैसे हमने ओ एच माइनस लिया, OH- यहाँ पर लिया हुआ, पहले स्टेप में OH- लिया हुआ, तो ये OH- किसी न किसी से आया होगा, NaOH से आया होगा या KOH से आया होगा। तो अगर लाइट की हमने ये NaOH से आया तो बोल दिया, तो Na है, Na प्लस फॉर्म में है, तो Na प्लस और X- मिलकर के NaX बना सकता है, ठीक है ना। अगर आप इससे लेते हैं तो भी हमें रिएक्शन सेम यही करनी है, अगर इसकी जगह पर आर सी ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड सी एच टू अगर ये लेते हैं, और तब भी आप जो है किस तरह से रिएक्शन करेंगे, ये वापस आएगा यहाँ पर ओ सी एल बॉन्ड बनाने की कोशिश हमने नहीं करनी है, क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं कि एक्स प्लस है, तो ये जब इससे बॉन्ड बना सकता है तो इससे भी बना सकता है, लेकिन हमें मालूम है कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ओ सी एल बॉन्ड जो है बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होगा कम्पेयर टू सी सी एल बॉन्ड, तो हमें स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड वापस यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो 100% है कि ये दोबारा से यही, तो यही चीज हमें मिल जाएगी। ओके, पहले तो ये बना। अब इस तरह से हमने देखा कि एक एच जो है, एक एच जैसे पहले स्टेप पे ये बना, दूसरे स्टेप है ये, एक एच रिप्लेस हुआ और एक्स लग गया, तो इस तरह से साइमल्टेनियसली हमने क्या करना है, जितने भी यहाँ पर हाइड्रोजन है सभी हाइड्रोजन को एक एक करके डिस्प्लेस कर करके जो है उसमें हेलोजन लगा देने, लेट कि ये पूरा एक एक करके दूसरा स्टेप होगा। इसके बाद हमने क्या किया, एक बार और एक्स टू के साथ में लिया इसको और बेसिक मीडियम में, तो यहाँ पर फिर होगा इस तरह का आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच एक्स एक्स, एक एच और हट गया। फिर उसके बाद हमने और दोबारा से क्या किया, एक्स टू की रिएक्शन करी, बेसिक मीडियम और लिया हमने, तो ये बच जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एक्स थ्री। जैसे ये सी एक्स थ्री तक आप पहुंचते हैं, फिर जाके आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है। अब ये सेकेंड स्टेप तक हमने पहुंचा दिया आर सी ओ एक्स सी एक्स, अब इसके बाद का स्टेप हम ले रहे हैं, थर्ड स्टेप नाउ आर सी डबल बॉन्ड ओ आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एक्स थ्री। ओके, तो जो मीडियम है पूरे सिस्टम का वो है बेसिक मीडियम, तो ये बेसिक मीडियम है, तो देखिए क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड है पहले आप देखिए यहां पर भी कंपेरिजन आप करिए, यहां पे हमें सबसे पहला जो स्टेप था H को लिया इसने, ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या होता है जो ये OH- माइनस है, यहाँ पर जैसे इसने H+ इसने ले लिया, तो यहाँ पर आप CX बॉन्ड अगर यहाँ पर
बनाते हैं सी एक्स टू, यहाँ पर एक्स है तो ये OH माइनस इसको नहीं ले सकता, ये सी एक्स बॉन्ड को तोड़ना इसके लिए टफ होगा, ये सी एक्स बॉन्ड तोड़ना OH माइनस के लिए टफ होगा। उससे बेटर है कि ये क्या करेगा, यहाँ पे पहले तो सी एच बॉन्ड को तोड़ा था, इट्स वेरी इजी फॉर OH माइनस, बट ये बॉन्ड तोड़ना थोड़ा टफ है, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये OH माइनस जो है यहाँ होगा, इट मीन्स ये एक तरह का हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। यहाँ पर तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, उसने क्या किया पहले OH माइनस को यहाँ हटाया, उसकी जगह पर X लेके आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये OH माइनस जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, तो इट मीन्स यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये बन जाएगा आर सी ओ नेगेटिव, यहाँ पे आया OH और यहाँ जो पहले से है वही रहेगा सी एक्स, ठीक है ना। तो जो ये बना इसके बाद इसमें क्या चेंजेस होते हैं, साइमल्टेनियसली अगर इसी में आगे हम बढ़ाएं इसको, तो ये वाला बॉन्ड देखो, अगर आप एक कार्बन के दोनों बॉन्ड को देखें तो ये आपका है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, और इधर भी अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, इट मीन्स मोर देन वन आपके जो हैं दो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो भी सिंगल बॉन्ड से, तो ये थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी है। तो ये अनस्टेबिलिटी है तो ये कैसे चेंज होता है, ये फिर से आपका ये यहाँ आएगा और ये वाला जो है आपका यहाँ शिफ्ट होगा, तो एक मॉइटी क्या बनेगी आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ एच अपनी जगह पर है, ओ एच प्लस जो है सी एक्स थ्री और यहां पर आ जाएंगे नेगेटिव, ये बन गया। नाउ लास्ट स्टेप इसका जो रहेगा फोर्थ, उसी को दोबारा हम लिखें आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये जो बना हुआ है जैसे कि आपको पता चला कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, इस पर जो दूसरा बना हुआ है C नेगेटिव X3, तो ये आपका एसिड है, तो ये क्या देता है H प्लस इसको देगा, ये H प्लस इसको देगा, तो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव प्लस सी एच एक्स थ्री, तो सी एच एक्स थ्री जो है वो है आपका हेलोफॉर्म, दिस इज द हेलोफॉर्म, और एक बन गया आपका कार्बोक्सिलेट आयन, ये कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलेट सॉल्ट कुछ भी हो सकता है, अगर आपका ये NaOH अगर था, ये अगर NaOH था तो यहां बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दैट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द बेस, वो बेस क्या था उस पर डिपेंड करेगा कि कार्बोक्सिलेट आयन कैसा होगा। तो इट्स वेरी इजी, तो इसी को अब हम केवल केवल आइडोफॉर्म के रूप में आपको बताते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें हुई हैं। जो ये हेलोफॉर्म है इसके बेस में आप स्टार्टिंग मॉलिक्यूल जो दिया था आपको, ये जो था आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, यानी कि कीटोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन को आइडेंटिफाई इसमें किया जा सकता है। तो एक आइडोफॉर्म, केवल आइडोफॉर्म को लेकर के हम इसमें बताते हैं आपको, तो आइडोफॉर्म में आप क्या करेंगे, अगर कंपाउंड आपको दिया हुआ है एसीटोन, तो आप जैसा कि देख रहे हैं बोथ साइड जो है सी एस थ्री है, तो चाहे आप इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए, किसी को भी आप ले सकते हैं, इस पर रिएक्शन करी आपने आई टू की, मीडियम दिया आपने बेसिक, ओके, और आगे रिएक्शन को प्रोसीड किया, तो हमें मालूम है कि जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा क्योंकि आई टू है तो सी एच आई थ्री आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म ये बनेगा आइडोफॉर्म सी एच आई थ्री, जैसे कि अभी रिएक्शन मैकेनिज्म आपने करी, और साथ में जो है सी एच थ्री सी ओ, क्योंकि एन ए दिया हुआ है तो ये बन जाएगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए। पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान आप देख रहे हैं कि आई थ्री है,
ये जो है आपका तीन बार यूज होगा 3I2 और बेस भी जो है तीनों क्योंकि लास्ट में भी आपने यूज किया, हो सकता है चार बार आपका यूज हुआ हो, बैलेंस करके पूरा जो है बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती रिएक्शन को। साथ में जो है आप यहाँ पे जैसे बनाए हैं ये OH- यहाँ पे लिया था आपने, ये OH- यहाँ पे आपने लिया है और साथ में जो है जैसे X- ये बना हुआ है, X- जो है Na के साथ मिलकर के अगर कहीं पर जो है इस तरह का भी आपका बन रहा तो NaI उधर भी बन सकता है क्योंकि आप यहाँ Na और I ले रहे हैं। तो ये सब रिएक्शन है हमारी आइडोफॉर्म। तो आइडोफॉर्म जो होता है ये येलो पीपीटी के रूप में मिलेगा आपको, येलो प्रेसिपिटेट। तो ये आपका जो है बॉटम में बैठ जाएगा, बॉटम में पीपीटी के रूप में आपको जो है चाहे आप टेस्ट ट्यूब पे रिएक्शन कर रहे हैं या बीकर में रिएक्शन कर रहे हैं तो नीचे आपको दिखाई देगा। उससे ये पता चलता है हमें कि जो स्टार्टिंग आपने लिया होगा, जो स्टार्टिंग का जो मॉलिक्यूल लिया होगा वो लिया होगा मिथाइल कीटोन लिया होगा, मिथाइल कीटोन लिया होगा, ये इससे पता चलता है। ओके, तो इसी तरह से कुछ ऐसे भी अल्कोहल भी हैं, अल्कोहल भी हैं जो ये रिएक्शन देते हैं। मेनली ये रिएक्शन कौन देते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड के लिए रिएक्शन करते हैं। और उसमें भी कौन से कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें जो है इस तरह का बॉन्ड है। अगर आपसे मिथाइल कीटोन है, अगर आपसे कहा जाता है कि क्या फॉर्मेल्डिहाइड ये रिएक्शन दे सकता है, देखिए दे सकता है क्योंकि ये है क्या नो ये एसिटाइल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड, अगर फॉर्मेल्डिहाइड बोले हम ये एसिटाइल्डिहाइड तो दे सकता, फॉर्मेल्डिहाइड देखिए नहीं दे सकता है। तो जो कोई भी जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड में है CO CH3 CS3 CO CO CS3, तो वो सब तो ये रिएक्शन दे सकते हैं। बट इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे भी एल्कोहल भी हैं जो ये रिएक्शन देते हैं, क्योंकि मेनली तो ये रिएक्शन आप पढ़ते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के लिए, फिर एल्कोहल क्यों दे रहा है, उसका क्या रीजन है, वो आपको ये एक्सप्लेन करते हैं। सपोज लेट हमें इस तरह का एक एल्कोहल दिया हुआ है CH3 CH OH CS3। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्सरी। आप देख रहे हैं ये जो कार्बन है दिस वन अटैच विद टू मोर कार्बन, तो इसका मतलब ये कार्बन जो है 2 डिग्री है तो इससे लगा हुआ है, तो ये है तो 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर इस 2 डिग्री अल्कोहल में आप ये सेम कंडीशन आप बनाएं, इसमें आप I2 मिलाएं, इसमें आप NaOH की वाली कंडीशन दें, बेसिक कंडीशन दें, तो क्या ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा? अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है तो ये भी आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिएक्शन तो थी केवल कीटोन के लिए, तो ये क्यों दे रहा है यहाँ पे, तो इसका रीजन क्या है, देखिए क्योंकि जो ये I2 यहाँ पे मिलाया हुआ है, दिस I2 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमारा क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा ये सेकेंडरी अल्कोहल है ये पहले अपने को ऑक्सीडाइज कर देता है, देन रिएक्शन के मीडियम में जो कुछ भी मीडियम वहां पर अवेलेबल है उसके साथ वो फर्दर रिएक्शन करता है। तो देखिए कैसे आपको ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे दिखाई दे रहा है, ये भी क्लियर होना चाहिए। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है, हमें मालूम है कि जितने भी जो ये मेटल है मेटल दे आर द रिड्यूसिंग एजेंट, वो रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह से जो नॉन मेटल हैं, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेटल रिड्यूसिंग बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेसिटी, किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं तो जिसको दिया उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं जैसे FCl BrI है या इसके अलावा और भी नॉन मेटल है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या करते हैं, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने का काम करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ओर को खींच रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग, और अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो दूसरे का वो क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर ये I2 जो है बिकॉज ऑफ द नॉन मेटेलिक नेचर, दैट्स व्हाई दिस वन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो सबसे पहले क्या कर देता है, जो ये हमने लिया है CH3CHOH CH3, ये I2 जो लेते ही पहले ये इसका ऑक्सीडेशन कर देता है, CH3 में ऑक्सीडेशन कर देगा। जब पहले ही स्टेप में इसका ऑक्सीडेशन ये इसमें कर देगा, तो आप देख रहे हैं कि ये जो कीटोन बना हुआ है वो क्या हो गया आपका, मिथाइल कीटोन। तो अगर ये मिथाइल कीटोन है तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसके बाद फर्दर जब इसमें, क्योंकि मीडियम में I2 और एनीवेज तो पड़ा ही हुआ है, तो I2 और एनीवेज उसमें है, तो ये लास्ट एंड फाइनल कहां तक पहुंच जाएंगे, CHI3 और बाकी साइड प्रोडक्ट CH3COONA, ये सब कुछ इसमें बनेगा, इट मींस आइडोफॉर्म ये देगा। तो ऐसे अल्कोहल जो अपने को ऑक्सीडाइज करके उस मीडियम में, जो मीडियम वहां पर दिया हुआ है, जो एल्कली वाला मीडियम दिया हुआ है, उस मीडियम में अपने को ऑक्सीडाइज करके अगर वो मिथाइल कीटोन टाइप के कोई कंपाउंड बना रहे हैं, तो वो भी हमारी हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन यानी कि आइडोफॉर्म रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है टू आइडेंटिफाई द मिथाइल कीटोन। मेनली ये है मिथाइल कीटोन के लिए, मिथाइल कीटोन और जो सेकेंडरी अल्कोहल हैं जो ये इस तरह से देते हैं वो भी। इसके अलावा अगर आप देखें क्या ये भी ये रिएक्शन दे सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये देंगे या नहीं देंगे। जैसे ये है हमारा इस तरह का, तो क्या ये हैलोफॉर्म रिएक्शन यानी कि आइडोफॉर्म रिएक्शन अगर इस तरह का दिया है I2 और NaOH के प्रेजेंस में, क्या ये रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे? आप देख रहे हैं कि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपको दिया है उसमें मिथाइल कीटोन वाली मॉलिक्यूल इसमें नहीं है, दैट्स व्हाई नो रिएक्शन, इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है हमने आइडोफॉर्म रिएक्शन को क्लियर किया। अब नेक्स्ट जो है अनदर रिएक्शन आपको